फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज रेलवे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और हाँ, इसके अलावा अगर मैथ और रेलवे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए जो मैं दे रही हूँ, इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी दूसरी चैनल पे आप, यानी कि जिसका नाम है जीके मॉल, आप वहां जाकर करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है। और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग सीट को कितने चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है कि क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट में विभाजित यानी कि बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 क्वाड्रेंट। कैसे, ये हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका फिगर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया 4 क्वाड्रेंट। इस तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग सीट को कितने चतुर्थांश में बांटेंगे, तो 4, 4 क्वाड्रेंट में बांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्निकल ड्राइंग के लिए सामान्यतः किस क्वाड्रेंट का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले क्वाड्रेंट बना के आपको बताया था कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये है हमारा फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है। बट सामान्यतः जो यूज किया जाता है वो आपका ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट और ये 3 वाला क्वाड्रेंट, तो इन्हीं दोनों का ज्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को किस क्वाड्रेंट में रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे कि ये क्वाड्रेंट मैं सभी में बनाते जा रही हूँ ताकि आपको ऐसे भी याद हो जाए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को रखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन को रखेंगे सेकंड एंगल में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को रखेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ को हम लोग 4 क्वाड्रेंट में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति क्या होगी। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जैसा कि मैं फिर से फिगर बना रही हूँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यानी कि यहाँ पे बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो आंसर है हमारा एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। तो आप पहले ये समझ लीजिए, ये हो गया आपका एचपी, ये हो गया आपका वीपी। वीपी का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन और एचपी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, ये हो गया वस्तु। अब यहाँ पे अगर वस्तु है तो इसकी स्थिति क्या है, ये एचपी के क्या है, ऊपर है, और वीपी के कहाँ पे है, सामने है। तो यही होगी वस्तु की स्थिति। हालांकि थर्ड क्वाड्रेंट का ही यूज होता है बट मैं सभी की बता देती हूँ। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ रहेगा वस्तु, यहाँ पे। अब इसकी स्थिति क्या है सेकंड की, तो इसकी देखिए एचपी के ऊपर है और वीपी, ये है आपका वीपी, तो वीपी के कहाँ पे है, पीछे है। ओके, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे वस्तु रहेगी। अब इसकी स्थिति देखिए, एचपी के ये नीचे है और वीपी के कहाँ पे है, पीछे है। ओके, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, यहाँ पे आ जाइए। अब इसकी स्थिति क्या है, यह एचपी के नीचे है और वीपी के सामने है। तो आई थिंक कि आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे फिगर ड्रॉ करके इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि फर्स्ट एंगल हो या सेकंड एंगल हो या थर्ड एंगल हो, उसमें वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी। तो यहाँ पूछा गया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो इसमें वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, तो एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो अभी मैंने आपको चारों में समझाया है, मैंने फिर से यहाँ पे फिगर बना देती हूँ, फिर से आप देख लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड वाला कौन सा है, ये, तो वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे। ये था आपका एचपी, ये भी एचपी, ये वीपी और ये भी वीपी। तो यहाँ पे स्थिति देखिए कहाँ पे है, एचपी के नीचे है और वीपी के कहाँ पे है, पीछे है। तो यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में
टॉप व्यू कहाँ बनता है? आंसर हो जाएगा फ्रंट व्यू के ठीक नीचे। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने फिगर पहले ही बना रखा है, ये हो गया आपका वीपी, ये भी वीपी, ये एचपी और ये एचपी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट रह सकता है। इसमें कहा गया टॉप व्यू कहाँ पे बनता है। अब देखिए, यहां से रहता है ऑब्जर्वर, ये देख रहा है। अगर इधर से देखेगा तो इसका जो व्यू बनता है, इस तरीके से आती है रे, यहाँ पे कहाँ पे व्यू बनेगा इसका, फ्रंट व्यू, यहाँ पे बनेगा ये फ्रंट व्यू। अब यहाँ पे कहता है कि ये नहीं, टॉप व्यू बनाना है, तो ऑब्जर्वर कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा ऑब्जर्वर। अब यहाँ से ऐसे वस्तु को देखेगा तो यहाँ इसका जो प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन है, ये कहाँ पे बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा। तो यानी कि यही पूछा गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू, ये टॉप से देख रहा है ना, तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, तो टॉप व्यू इसके ठीक नीचे बनता है, अपोजिट साइड में बनता है। ये कि ये है आपका फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू के ये नीचे बनता है टॉप व्यू। तो आंसर क्लियर है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा इसके ठीक नीचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यदि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू को एफ से लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए फिगर में ड्रॉ किया गया है, ये एफ है आपका फ्रंट, तो फ्रंट व्यू को एफ यहाँ पे लिखा गया, तो कहता है ए बी सी तथा डी में लेफ्ट साइड व्यू कौन सा है। अब इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे फिर से फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे है ये इसका वीपी और ये है एचपी, इसका जो फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, ये यहाँ पे बनता है। और एक्चुअल में इसका जो प्रोजेक्शन होता है कुछ इस सॉरी प्रोजेक्शन नहीं, ये जो बना हुआ होता है कुछ इस टाइप से बना हुआ होता है। मतलब कि ये बीच लाइन होती है और ये कुछ इस तरीके का रहता है, ये रहा, ये ऐसे वर्टिकल ये खड़ा रहता है और ये हॉरिजॉन्टल रहता है। मैं इसे दूसरी चीज में आपको समझा देती हूँ ताकि आपको, अब इसे थोड़ा हम लोग इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि ये है आपका फर्स्ट एंगल, ओके, फर्स्ट एंगल हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फिगर। चलिए अब इसमें से समझिए कि इधर है आपका क्या, ऑब्जर्वर। इधर से अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखा हुआ है और देखता है तो इसका कहाँ बनता है व्यू, ये फ्रंट व्यू यहाँ पे बनता है। अगर टॉप से यहाँ से देखेगा और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका व्यू कहाँ बनता है, यहाँ नीचे बनता है, ओके। अब इसी में आप समझ लीजिए लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो अगर मान लिया जाए लेफ्ट, अगर यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर देख रहा है तो इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड किधर है, राइट साइड ये हुआ उसका और लेफ्ट साइड इधर ऊपर में। तो सपोज कीजिए कि अगर वो लेफ्ट साइड से देख रहा हो, यहां से लेफ्ट साइड से देखेगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बीच में रहेंगी तो इधर से कहाँ बनेगा इसका व्यू, यहाँ पे। यानी कि अगर लेफ्ट से देखता है तो यहाँ पे उसका राइट साइड में बनता है, और अगर यहां पे जाके वह राइट साइड से देखे तब इसका व्यू कहां बनेगा, जस्ट यहां पे। यहां पे जैसे कि मैं एक और प्लेन दे देती हूं तो, और इसे यूं करके दिखाती हूं आपको, देखिए कि अगर ये इधर से ऑब्जर्वर रहेगा तो इसका फिगर जो बनेगा परछे प्रोजेक्शन वो कहां बनेगा, वो यहां पे बनेगा, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बस समझाने की कोशिश की कि यहां पे पूछा गया है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू को एफ से लिखा जाए और ए बी सी तथा डी में लेफ्ट साइड व्यू कौन सा होगा। तो जस्ट हमने क्या देखा कि लेफ्ट साइड व्यू होता है आपका राइट साइड में और राइट साइड व्यू होता है आपका लेफ्ट साइड में। तो इसका आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ऐसे हमने देखा कि लेफ्ट साइड हमारा कौन सा है, ये, तो लेफ्ट साइड व्यू कहाँ बनेगा, इधर राइट साइड में। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ए हो जाएगा आंसर। अगर यही पूछ दिया रहता कि राइट साइड व्यू कहाँ बनेगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। टॉप व्यू कौन सा बनेगा, तो टॉप ऊपर से देखेगा ना, तो टॉप व्यू कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू को एफ से लिखा जाता है तो ए बी सी तथा डी में टॉप व्यू कौन सा होगा। अब देखिए फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल मीन्स ये फर्स्ट एंगल का टॉप व्यू कहाँ बनता है, यहाँ पे नीचे बनता है, और ये है आपका फ्रंट व्यू है। तो टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, यहां से अगर देखता है ऑब्जर्वर तो कहाँ बनेगा इसका टॉप व्यू, यहाँ पे नीचे, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू को F लिखा जाता है तब A, B, C तथा D में राइट साइड व्यू कौन सा होगा। तो मैंने जस्ट बताया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो होता है तो उसमें राइट साइड का व्यू लेफ्ट साइड में बनता है और लेफ्ट साइड का व्यू राइट साइड में, और टॉप व्यू कहाँ बनता है, नीचे बनता है। तो इसका राइट साइड व्यू कहाँ बनेगा, तो ये डी बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू को एफ लिखा जाता है तब ए बी सी तथा डी में टॉप व्यू कहां पे बनेगा। अब इसके लिए भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये हो गया आपका क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो यहां पे वस्तु कहां पे रहती है, ये, ओके, यहाँ पे। लेकिन ऑब्जर्वर जो होता है वह यही रहता है, वह ऑब्जर्वर को हमेशा हम इधर ही रखेंगे राइट साइड में ही, और टॉप व्यू से देखना होगा तो ऑब्जर्वर यहाँ से होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जर्वर, और इधर में यहाँ पे था फर्स्ट एंगल में, और थर्ड एंगल में कहाँ जाएगा ऑब्जर्वर, यहाँ पे आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि ये आपका, मैं थोड़ा इसका लाइनिंग बना देती हूँ, ये इस तरीके से रहता है, ये इस तरीके का फिगर है, ये इस तरीके से। अब यहां पे कोई वस्तु रखी रहती है, यहां से ऑब्जर्वर जब इधर से देखता है तब इसका जो व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू सबसे पहले समझ लीजिए वो कहां बनेगा। तो इसका फ्रंट व्यू जब बनेगा तो यहां पे बनेगा। अब ये सोचिए कि ये वस्तु है, इसके बीच में कोई एक दीवार के जैसे संरचना है और यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो यहां पे कैसे व्यू बनेगा। तो इसलिए क्योंकि आप इसे मान लीजिए कि यह एक जो है ट्रांसपेरेंट, बहुत ही मतलब कि ये पारदर्शी चीज है कोई, और अगर पारदर्शी चीज से अब अगर ऑब्जर्वर यहां से देखता है तो इसका जो व्यू बनेगा यहां ही बनेगा, ओके। और अगर ये ऑब्जर्वर यहां टॉप व्यू से इसे देखता है तो टॉप व्यू से कहां बनेगा इसका, यहां पे देखिए, टॉप व्यू से जब इसे देखता है तो वो यहां पे देखेगा उसे, वो इसे यहां पे देखेगा, यानी कि एचपी पे ही देखेगा यहां पे। तो इसमें पूछा गया है कि टॉप व्यू कहां पे बनेगा, तो टॉप व्यू फ्रंट, ये इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता था, टॉप व्यू नीचे बनता था, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू जो बनेगा ये ऊपर बनेगा, यानी कि ये अगर आपका एफ है फ्रंट व्यू, तो इसका टॉप व्यू कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर इसी में पूछ लिया जाता कि इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड कहां बनेगा, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसा कि मैंने उसमें समझाया था मैं इसमें भी समझा देती हूं। जैसे कि ये हो गया आपका थर्ड एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, इस तरीके से। अब यहां पे देखिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब इसमें यहां से ऑब्जर्वर, ये क्या है, एक पारदर्शी चीज है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपकी रखी हुई है, तो इसका जो बनेगा फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, यहाँ पे बनेगा। अगर टॉप से इधर से देखता है तो इसका कहाँ बनेगा फिगर, ये यहाँ पे बनता है। अब जब लेफ्ट और राइट साइड से, चूंकि यहाँ ऑब्जर्वर है तो इसका राइट साइड होगा यहाँ पे इधर से, और इसका लेफ्ट साइड किधर होगा, इधर, तो ये इस तरीके से रखा गया। अब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा वस्तु, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी गई है, और ये क्या है, मैंने क्या कहा, इसे आप ट्रांसपेरेंट मान लीजिए, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, तब यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है तो इसका जो व्यू बनेगा कहाँ बनेगा, ये, यानी कि आप देखिए अगर ये लेफ्ट साइड से देख रहा है तो इसका व्यू भी कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड ही बन रहा है। अब थोड़ा सा इधर, ये इसका समझ लीजिए कि ये क्या है, इसका राइट साइड है। अब इसे मैं थोड़ा सा इस तरीके से रखती हूँ कि अब ऑब्जर्वर अगर राइट साइड से देख रहा है इधर से, तो ये भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसका भी कहाँ बन रहा है व्यू, यहीं पे, ओके, यहीं पे बन रहा है। यानी कि इसमें हम लोग क्या देखें कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो बन रहा है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि लेफ्ट साइड का व्यू जो है लेफ्ट साइड ही बनता है, और राइट साइड का व्यू कहां बनता है, राइट साइड। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इसी में मैं पूछ देती हूं कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर फ्रंट व्यू को हम लोग एफ मानते हैं तब इसका लेफ्ट साइड व्यू कहां बनेगा, तो लेफ्ट साइड व्यू, ये तो हमारा राइट है, लेफ्ट साइड व्यू इसका लेफ्ट में ही बनेगा, आंसर हो जाएगा डी। और अगर पूछेगा कि राइट साइड व्यू कहां बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बस आपको इतना याद रखना है थर्ड में कि लेफ्ट का लेफ्ट में ही बनेगा, राइट का राइट में बनेगा, और टॉप का टॉप में ही बनेगा, बस आपको यही याद रखना है। अब
फर्स्ट एंगल में मैंने क्या बताया, बस सारा अपोजिट हो जाता है। टॉप का कहाँ बन जाता है, नीचे आपका, राइट का बन जाता है लेफ्ट में, और लेफ्ट का बन जाता है राइट में। तो आई थिंक कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई इसमें क्वेश्चन पूछना है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझा सकूं। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।